कोटड़ा पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर भाजपा ने की बैठक, जिसमें राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को विरोध स्वरूप यहां पर बनाई जा रही रूपरेखा। राजस्थान में भाजपा की योजना के तहत प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयारी की जा रही। भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता, विधायक बाबूलाल खराड़ी, प्रधान सुगना देवी, पूर्व प्रधान मुरारीलाल भुमरिया, उप प्रधान मीरा देवी, जिला परिषद सदस्य कोटड़ा मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह ग्रासिया, मामेर मंडल अध्यक्ष मालाराम पारगी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुजीराम खेर सहित क्षेत्र के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य बैठक में ले रहे भाग। 15 लाख से ऊपर बेरोजगारी हुआ, रजिस्टर्ड है, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा वो बाकी तो ठीक है, जिन्होंने करा कोई दिक्कत नहीं। हमने विधानसभा में पूछा कि आपका भाई ये बेरोजगारी बच्चों का क्या हुआ, तो उनका सरकार का जवाब आया कि हमने लगभग 2 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, तो बाकी लोगों का क्या हुआ, तुमने भरनी क्यों क्या। उस समय युवा को दिमाग में था या तो हमको नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलेगी तो कम से कम 3,500 रुपये तो घर बैठे मिलेंगे, कम से कम कुछ तो कर पाएंगे ना, हम सबके मन में रहता है, और ऐसा हुआ, और जिसके कारण युवा के वोट से ये सत्ता में आज किसको पत्ता दिया है। किसानों के लिए हमने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का 10 दिन के, तो मुख्यमंत्री बोलता है कि नहीं नहीं हम पूरा तो नहीं करेंगे, तो कितना करोगे ये बताओ। उस समय तो आपने संपूर्ण करने की बात की, आप कितना करोगे, 2 लाख तक करेंगे, किनका करोगे, बैंक है, स्टेट बैंक है, SBI, इनका हम कर्जा माफ़ नहीं करते, तो किसका करोगे, सहकारी बैंकों करेंगे। अरे सहकारी बैंकों का तो वसुंधरा जी 50,000 रुपये तक के कर्जे पहले माफ़ कर चुकी थी, जिनको नोटिस मिल गया, और कई लोगों के तो 5-5 लाख रुपये माफ़ हुए थे ऐसा, और उसके बाद में वही रिकॉर्ड बता रहे कि हमने माफ़ कर, तुम्हारा बताओ तुम्हारे खाते के कितने हैं वो बताओ ना यार, एक भी काश्तकार का कर्जा इन्होंने माफ़ नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि हमने केंद्र को पत्र लिखा है, हमने इनको कहा कि जब तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषणा कर रहा था, तुम्हारे घोषणा पत्र में तुमने लिखा था, तब क्या केंद्र सरकार से पूछ के लिखा था कि अगर या हम तो आप दोगे तब कर्जा माफ़ करेंगे, करने का भी एक कोई सीमा होती है यार, किस प्रकार से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और आप और हम सब देख रहे हैं, ये सारे आप में से अधिकतर जनप्रतिनिधि सरपंच पंचायतों को आने वाला सारा का सारा पैसा इन्होंने रोक लिया, रोका नहीं रोका, सरपंच के पास पैसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। सरपंच 1.5 साल लगभग हो गया, डेढ़ कितना हो गया, 2 साल हो गया, जितना पैसा आना चाहिए था वो पैसा सारा का सारा लेके बैठा, केंद्र का पैसा बराबर आ रहा है, उस पैसे को भी इन्होंने दूसरे मदों में खर्च करके खत्म किया। अब हम गांव में अभी एक भी काम आपके हुआ क्या, नरेगा काम बंद है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबको पता है कि हमारे गांवों में नरेगा में जिन कारीगरों ने काम किया था, जिसका ट्रैक्टर लगा था, जिनका मेटल हमने लिया था, सीमेंट ली थी और कुछ लिया था, लोहा लिया था, उनका पैसा आ रहा है क्या, सारा का सारा पैसा अटका हुआ, सरपंच बेचारा